तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पेपर हमारे पास में आ चुका है और आप सब लोग अपने पेपर का मिलान करके पता कर लो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं में कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। तो चलो जल्दी से मैं आपको इसका मिलान करके बता देता हूँ कि किस प्रकार का आपका पेपर आया था। और देखिएगा, पेपर जो आपका आया है ना, हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए गए तीनों सेट पेपर में से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बनकर आया है, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं गया है। तो चलिएगा जल्दी से आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, क्योंकि देखिएगा पेपर बिल्कुल एकदम उसी प्रकार का आया है। अगर आपने हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए गए तीनों सेट पेपर को अच्छे से लगाया होगा ना, तो पेपर एकदम मस्त गया होगा आपका। अब चलो जल्दी से मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, आप सब लोग देख लें। जैसे कि पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर कैसे लिखने हैं आपको, कविता के प्रत्येक चरण लिखिए। तो देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिसटाइप किया इसने शायद, कवित के चरण में मात्राएँ होती, ये लिखना था वैसे, कवित एक छंद होता है, ठीक है, उसमें 28 मात्राएँ होती है। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है, तो देखिएगा संघर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो देखिएगा संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता बीट, क्या लिखना था आपको, बीट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, तो देखिएगा निडर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, निडर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को मान्यता दी, देखिएगा सगुण भक्ति धारा। वैसे देखिएगा सरगुण भी यहाँ पर मिसटाइप हुआ है ये, ठीक है ना, ये गलत है, सगुण इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है, कथा वस्तु या कथानक को कहानी का पहला तत्व माना जाता है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को भी देख लो। रिक्त स्थान पूर्ति ए टू जेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिए थे। तो आप सब लोग फिर भी एक बार अपने तसल्ली के लिए मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए और कितने आपके गलत हो गए। देखो, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ क्या, पतंग। और आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकार को क्या कहते हैं, संचारी भाव। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, संचारी भाव। शब्द शक्ति प्रकार की होती, तो देखो तीन प्रकार की होती है। परिचित शब्द का अर्थ, देखिएगा ये भी मिसटाइप हुआ है, वैसे इसमें सीमित आ जाता। लुट्टन बचपन में चराता था, तो देखो गाय चराता था। एक पंथ प्रसिद्ध मुहावरा है, तो देखिएगा दो काज, यहाँ पर क्या आ जाता, एक पंथ दो काज। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और देखिएगा यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य लिखने हैं। अब देखो सत्य असत्य आपको कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग ये उत्साह विवाह के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है, असत्य होगा, क्योंकि सिल्वर वेडिंग जो ना 25 साल पर मनाई जाती है, 50 साल पर नहीं मनाई जाती, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, रीडिप भारत की पहली साइट है जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है, ये बिल्कुल सत्य है। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई, ये भी सत्य है। संध्या अलंकार का प्रयोग से अंत तक संशय नहीं बना रहता, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा था रुबाई उर्दू फारसी की एक छंद शैली है। देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना था। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के तो सभी क्वेश्चंस मैंने बता ही दिए, उसके बाद में आप सब लोग इनको देख लें। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1906 में हुआ था, तो देखिएगा आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो जोड़ी के मिलान यहाँ पर आपको इस प्रकार से करना था, आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया, तुलसीदास की जोड़ी मिल जाएगी आपकी भक्ति काल से, खंड काव्य की जोड़ी पंचवटी से, जटोद की जोड़ी जेठ से, और जूझ की जोड़ी उपन्यास के अंत से, भाव विस्तार की जोड़ी पल्लवन से, और मुद्रित माध्यम की विशेषता शब्दों का स्थायित्व और 3-13 होना बिखर जाना। देखो यहाँ से आपने आपकी जोड़ी का मिलान मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से अब इन क्वेश्चन को भी देख लो, कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो आप सब लोग यहाँ से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को भी पूरा कर लो। देखो क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं आप सब लोग देख लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन, HTML, ये देखिएगा गलत छपा था यहाँ पे, तो काट के लिखवाया गया था चांद सिंह के गुरु का नाम, तो देखो क्या है, बादल सिंह। उसके बाद में पर्दे पर किसकी कीमत है, तो देखो वक्त की कीमत है। और इसके बाद में शांत रस का स्थायी भाव, तो देखो निर्वेद हो जाएगा। अकिंचित कर का क्या अर्थ है, तो देखिए अर्थहीन, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थहीन। लाइव के बारे में लिखिए, जी हाँ यहाँ पर लाइव वही लाइव है जैसे कि YouTube लाइव होता है, Facebook लाइव होता है, या Insta पर लाइव आते हैं, इसको लाइव स्ट्रीम कहते हैं। आप सब लोग इस प्रकार से आप अपने हिसाब से भी लिखा होगा तो ये सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है
जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम, तो देखिएगा केशव प्रथम वीर इसका नाम है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन बिल्कुल ए टू जेड आपके पेपर में उसी प्रकार के आए हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। ए टू जेड टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लिया होगा। उसके बाद में इन क्वेश्चन को देख लो, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ भी लिए होंगे और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर भी आ जाओगे। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इसको देख लें अच्छे से और पूरा समझ लें। और देखिएगा यहाँ पर आपका जो अगला पेपर है अंग्रेजी विषय का, वो मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए उपलब्ध करवा दिया है। तो आप सब लोग अंग्रेजी विषय के पेपर को भी देख लो, देखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार का मैंने आपको हिंदी विषय का पेपर बताया ना, उसी प्रकार का पूरा आपका अंग्रेजी विषय का पेपर भी बचने वाला है। तो आप सब लोग उसको भी देख लें। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।